हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। और आज हम मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 8 में टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज के में फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्लावर में एसेसरी ऑर्गेन होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होते हैं। एसेसरी ऑर्गेन हो गए कैलस और कोलोरा कोरोला एसेसरी ऑर्गेन है। एंड्रेसियम और गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। और कैलेक्स और कोरोला दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे तो उस टर्म को पेरियंथ कहेंगे। और इसका एग्जांपल है लिली। एंड्रोसियम और गाइनोसियम अगर एक ही प्लांट में प्रेजेंट है तो उस प्लांट को हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। और अगर एंड्रोसियम और गाइनोसियम मतलब एंड्रोसियम और गाइनोसियम में से कोई एक अगर किसी प्लांट में प्रेजेंट है तो प्लांट यूनिसेक्सुअल होगा। साइमेट्री के आधार पर प्लांट्स फ्लावर सेमेट्रिक होते हैं और एसेमेट्रिक होते हैं। सेमेट्रिक में रेडिकल सेमेट्री होंगे एक्टिनोमॉर्फिक और बायलैटरल सिमेट्रिकल होंगे जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जांपल हो गया मस्टर्ड धतूरा चिल्ली। जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल है जो बायलैटरल सिमेट्रिकल है। मतलब एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है रेडिकल सिमेट्री मतलब किसी भी एक्सिस से हम प्लेन पास करेंगे तो उसको दो भागों में काटेगा फ्लावर को तो उसे एक्टिनोमॉर्फिक कहेंगे। और जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है बायलैटरल सिमेट्रिक होता है दो भाग में तो काटता है पर किसी एक प्लेन से ही काटता है। तो जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल हो गया पी गुलमोहर और कैसिया। और एक एसिमेट्रिक प्लांट फ्लावर होता है उसमें किसी भी प्लेन से अगर पास कराएंगे तो फिर भी उसको दो भाग में फ्लावर को नहीं बांट पाता है। तो असिमेट्रिक फ्लावर का एग्जांपल हो गया काना। तो अब हम ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रिक क्या है पहला ऐसे मुझे ना देख छोटी। ऐसे का होगा एक्टिनोमॉर्फिक मुझे का मस्टर्ड देख का धतूरा छोटी का चिली। जाइगोमॉर्फिक का एक ट्रिक है जा पर कैसे जीव बिना तेरे। जा का होगा जाइगोमॉर्फिक पर का होगा पी पिना का होगा बीन जीव का होगा गुलमोहर और कैसे का होगा कैसिया। असाइमेट्रिक का ट्रिक है अका। अका हो गया एसेमेट्रिक और का होगा काना। सो फ्रेंड्स हमारे आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो तुरंत आपके पास अवेलेबल हो सके। और देखने के लिए धन्यवाद।